बीते सप्ताह लगातार पहाड़ों और मैदानी इलाकों में हुई झमाझम बरसात के बाद अब गंगा का जलस्तर दोबारा बढ़ने लगा है। कई प्रमुख बांधों से पूर्व में भी पानी छोड़े जाने की वजह से गंगा का पानी दोबारा बढ़ने के साथ ही तटवर्ती इलाकों में लोगों की चिंता बढ़ी हुई है। सोमवार की सुबह गंगा का जलस्तर 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की गति से बढ़ने लगा तो चिंता तटवर्ती इलाकों में दोबारा शुरू हो गया है। बीते 24 घंटे में 1.5 मीटर तक गंगा का जलस्तर बढ़ चुका है। वहीं तटवर्ती इलाकों में पानी भरने की संभावना दोबारा बलवती हो गई है। फिर गंगा का जलस्तर बढ़ने से लोगों की धुकधुकी भी बढ़ चली है, क्योंकि दोबारा अब गंगा के सभी घाटों का आपसी संपर्क टूट चुका है। वहीं भदोही में भी लगातार हो रही बारिश से सोमवार को एक बार फिर जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई। सिंचाई विभाग की रीडिंग के अनुसार 6 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जल का स्तर बढ़ रहा है। सुबह तक 73.180 मीटर पर जलस्तर की रीडिंग दर्ज की गई। जलस्तर में तीव्र वृद्धि को देखते हुए तटवर्तियों की धड़कन बढ़ गई है। अगस्त में गंगा के जल स्तर में वृद्धि हुई थी। यह वृद्धि डैम से पानी छोड़ने के कारण हुई थी। 2-3 दिन बाद अचानक गंगा में घटाव हो गया। गंगा के जलस्तर कम होने से तटवासियों ने राहत की सांस ली थी। इधर 3 दिन से हो रही लगातार बारिश से एक बार फिर जलस्तर में अचानक वृद्धि हो गई है। सिंचाई विभाग की रीडिंग के अनुसार सोमवार को सुबह 7 बजे तक की गई रीडिंग के अनुसार अभी गंगा खतरे के निशान से 4 मीटर नीचे बह रही है। गंगा के जलस्तर में फिर से आए बढ़ाव को देखते हुए घाट किनारे के पुरोहित और नाविक समाज के लोगों में चिंता व्याप्त हो गई है। इनका मानना है कि यदि गंगा फिर से खतरे के निशान के करीब पहुंचती है तो हम लोगों के समक्ष भूखमरी की नौबत आ जाएगी, क्योंकि इस समय पितृपक्ष चल रहा है और देश विदेश से बड़ी संख्या में अपने पूर्वजों के श्राद्ध हेतु काशी के गंगा घाटों पर लोग आते हैं। ऐसे में उनका आना बंद हो जाएगा। पिछला भी जो बाढ़ आया था रोड तक गया था, उसके बाद तो पानी एकदम घट गया था, लेकिन पिछले 24 घंटों में निरंतर गंगा का जलस्तर बढ़ते हुए इस समय 6.5 से 7 फीट बढ़ चुका है। 24 घंटे पानी अगर यही रफ्तार रहा तो आने वाले समय बड़ा विकट स्थिति हो जाएगी। तो फिर से जो घाटों की रास्ते खुले हुए थे सब बंद पड़ गए, जो नावें अभी 4 दिन पहले चालू हुई थी, हो सकता है पानी बढ़ने के बाद वो भी बंद हो जाए, तो फिर से ये कठिनाइयों का दौर आ चुका है। फिर घाटों का संपर्क संपर्क तो पूरी तरीके से टूट चुका है, क्योंकि यहाँ पानी आने का मतलब जो 2-4 घाट पे आने जाने का राजमार्ग था वो भी बंद पड़ गया। अहम सवाल है, घाट के किनारे कई लोगों की रोजी रोटी चलती है, कितना असर पड़ता है? आप देख सकते हैं पितृपक्ष में जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनको भी बाढ़ का सूचना होने के कारण वो भी अब नहीं आ पा रहे हैं। यहाँ के आजीविका की साधन जो थे ब्राह्मण पुरोहित या नाविक, इनका सबका गंगा जी से भरण पोषण होता है। निश्चित रूप से जो ये पितृपक्ष का ये महीना आखिरी 5-7 दिन जो बचे हुए हैं, लोगों को बहुत उम्मीद और आस थी कि बहुत दूर दूर से लोग आएंगे, लेकिन इन बाढ़ को देखते हुए बहुत से लोग आना अपना रद्द भी कर सकते हैं।